हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम नवरात्रि स्पेशल डोसा आलू की सब्जी और चटनी बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डोसा आलू की सब्जी और चटनी बनाने। नवरात्रि स्पेशल में हम डोसा और आलू की सब्जी और चटनी बनाएंगे। ये हमने सामा के चावल लिए हैं, ये वाली कटोरी हमने सामा के चावल लिए हैं, इनको हमने भिगो दिया है। और ये हमने साबूदाना लिया है, यही वाली कटोरी हमने साबूदाना लिया है, इनको हमने एक से डेढ़ घंटे दोनों को भिगो दिया है। और अब मैं इनको छान लूँगी। इन दोनों का पानी मैंने छान लिया है। अब ये मैंने मिक्सी का जार लिया है और सबसे पहले मैं इन दोनों को मिक्स करके पीस लूँगी। और अब मैं इसमें ये साबूदाना भी डाल दूँगी। और ये मैंने एक कटोरी दही ली है और इसमें मैं एक चम्मच दही डालूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। मैंने इसमें दो से तीन चम्मच पानी डाल दिया है और इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये हमारा पेस्ट पीसकर तैयार हो चुका है और अब मैं इसे इस बाउल में डाल दूंगी। और ये हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है। इसे मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। तब तक मैं चटनी और आलू बना लेती हूँ। और चटनी बनाने के लिए ये मैंने दो बड़े टमाटर लिए हैं, इनको मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। दो हरी मिर्च ली हैं, 8 से 10 मैंने कड़ी पत्ता और 4 से 5 मैंने सूखी लाल मिर्ची और जीरा लिया है 1/4 चम्मच। और ये मूंगफली ली है मैंने एक छोटी कटोरी। तो आइए बनाते हैं चटनी हम। ये मैंने सॉस पैन लिया है और इसमें मैं 1 टेबलस्पून देसी घी डालूंगी। और ये हमारा घी गरम हो चुका है। सबसे पहले मैं मूंगफलियों को फ्राई कर लेती हूँ इसमें। हमारी मूंगफली फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी मूंगफली को। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी, साथ ही ये सूखी लाल मिर्ची डाल दूंगी इसमें। और अब मैं इसमें ये टमाटर डालूंगी और हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता ये साथ ही डाल दूंगी मैं। ये मैंने सेंधा नमक लिया है और अब मैं इसमें 1/2 चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालना। चौथाई चम्मच मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। और ये हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और गैस को मैं बंद कर दूंगी और इस टमाटर को मैं ठंडा होने दूंगी। जब तक मेरी ये चटनी ठंडी होती है तब तक मैं आलू बना लेती हूँ। ये मैंने
पांच से छह उबले हुए आलू लिए हैं, इनको मैंने इस प्रकार से कट कर लिया है। तीन से चार मैंने हरी मिर्च ली हैं, इनको बारीक कट कर लिया है। और ये दस से बारह मैंने कड़ी पत्ता लिया है। और ये थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है। और ये हमारे पास सेंधा नमक है। और दो टमाटर को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। तो आइए बनाते हैं आलू की सब्जी। ये मैंने कढ़ाई ली है और इसमें मैं एक सर्विंग स्पून देसी घी डालूंगी। घी हमारा गरम हो चुका है, अब मैं चौथाई चम्मच जीरा डालूंगी इसमें। एक कड़ी पत्ता डालूंगी इसमें। अब मैं इसमें ये टमाटर डालूंगी। साथ ही मैं हरी मिर्च डाल दूंगी ये। अब इसमें मैं चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी। और चुटकी भर मैं काली मिर्च डालूंगी इसमें। नमक इसमें मैं स्वाद अनुसार डालूंगी। और इस मसाले को मैं भून लूंगी। ये मसाला हमारा भून चुका है, अब मैं इसमें दो चम्मच दही डाल दूंगी और इसे मिक्स करूंगी मैं। और अब मैं इसमें ये आलू डालूंगी। अब मैं इसे एक से दो मिनट स्लो गैस पे पकने दूंगी। ये हमारी चटनी ठंडी हो चुकी है, अब मैं इसको पीस लेती हूँ। और ये मूंगफली भी हमारी ठंडी है। सबसे पहले जार में मैं मूंगफली डाल दूंगी, साथ ही ये इसमें मैं ये चटनी डाल दूंगी। और अब मैं इसमें ये बची हुई एक चम्मच दही है ये बीच में डाल दूंगी और इसे मैं पीस लूंगी। और ये हमारी चटनी पीसकर तैयार हो चुकी है, अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। और ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है, इसे मैं एक साइड में रख दूंगी चटनी को। और अब मैं आलू चेक कर लेती हूँ। और ये हमारे आलू बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये हरा धनिया डाल दूंगी। ये हमारे आलू बनकर भी तैयार हो चुके हैं। गैस को मैं बंद कर दूंगी और आलू को एक बाउल में मैं सर्व कर लूंगी। और ये हमारी आलू की सब्जी भी तैयार हो चुकी है, अब मैं डोसा बना लेती हूँ। और ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है डोसे का अच्छे से, अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक इसमें भी मैं अपने स्वाद अनुसार डालूंगी और इसे मैं मिक्स करूंगी। ये मैंने एक तवा लिया है, ये नॉनस्टिक तवा है। और ये मैंने एक गीला कपड़ा लिया है, ये मैं इस तवे पे गीला कपड़ा लगाऊंगी पहले। और तवा को देखूंगी मैं, हमें अच्छी तरह से इसे मीडियम ही रखना है। गरम हो चुका है हमारा तवा। और अब मैं इस पे ये पेस्ट डालूंगी और इसे मैं फैलाऊंगी अच्छे से। और अब मैं इस पे घी लगाऊंगी
जो हमने इसमें साबुदाना डाला था वो देखो दानेदार है साबुदाना हमारा। और ये हमारा डोसा, मैं इसे फोल्ड करूंगी डोसे को। और ये कितने अच्छे से सिककर तैयार हुआ है ये देखो। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। ये हमारा डोसा कितने अच्छे से बन रहा है। और इसी प्रकार से मैं अपने सारे डोसे बनाकर तैयार कर लूंगी। ये हमारे सारे डोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये हमने डोसे, आलू की सब्जी और साथ में टमाटर की चटनी, ये बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।